निबिया खेड़ा मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी के स्थापत्य का नायाब नमूना। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर दक्षिण में निबिया खेड़ा गांव में बसा भारत का एक अनोखा वास्तु रत्न। जहां की शिल्पकला में छिपी है भारत के अत्यंत प्राचीन, भव्य और अनूठे ईंटों के मंदिर की कहानी। इसे भद्रेश्वर महादेव व इष्टिका मंदिर के नाम से जाना जाता है। लगभग 35 से 40 फीट ऊंचा यह मंदिर उत्कृष्ट शिल्पकला एवं भव्यता का अनुपम मेल है। कई शताब्दियां बीत गई पर इस मंदिर के निर्माण में जटिल रूप से प्रयोग की गई ईंटें अभी भी मौसम की मार सहने में सक्षम हैं। समय समय पर पुरातत्व विभाग द्वारा इसको संरक्षित करने के प्रयास किए जाते रहे हैं। इतिहासकारों का मानना है कि इस मंदिर के इतिहास की जड़ें 9वीं से 10वीं शताब्दी से जुड़ी हुई हैं। उस काल की वास्तुशैली यह दर्शाती है कि उत्तरी भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार राजवंश का इस मंदिर के निर्माण में विशेष योगदान रहा होगा। ये राजवंश विशेषकर शिल्पकला के लिए जाने जाते हैं। इनके शासनकाल में उत्कीर्ण पटलों वाले और खुले द्वारांगन वाले मंदिरों की शैली का प्रयोग होता था। क्योंकि 9वीं-10वीं शताब्दी में इस अंचल में गुर्जर प्रतिहार मतलब कन्नौज का साम्राज्य था, गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था, इसलिए उन्हीं के आधिपत्य में माना गया 9वीं-10वीं शताब्दी का, और गुर्जर प्रतिहार के ही शिल्प का गठन का ये मंदिर इष्टिका मंदिर माना गया। ये मंदिर वास्तुकला की पंचायतन शैली में निर्मित सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है जिसमें आमतौर पर मध्य में मुख्य मंदिर के साथ चारों कोनों पर सहायक मंदिर होते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि इस मंदिर में 3 सहायक मंदिर हैं और एक मंदिर मुख्य मंदिर की उत्तरी दीवार के अनुरूप बनाया गया है। वर्ष 1957 में सबसे पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अवकाश प्राप्त अधीक्षण पुरातत्वविद तत्कालीन उत्खनन सहायक के रूप में डॉक्टर लाल मोहन बहल ने इसकी खोज की थी। लाल मोहन बहल ने इसको सबसे पहले 1957 में रिपोर्ट किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1960 में इसको संज्ञान में लेने के बाद उसे एएसआई के डॉक्यूमेंट्स में रिपोर्ट किया गया और उसको संरक्षित स्मारक घोषित किया। इस मंदिर परिसर में एक पूर्वमुखी मुख्य मंदिर है जिसके प्रवेश द्वार पर पत्थर से बनी बेहद जटिल नक्काशीदार एवं प्रभावशाली चौखट है। मुख्य मंदिर की चौखट के शीर्ष पर देवताओं की आकृतियां बनी हुई हैं जिसमें देवी गजलक्ष्मी की सुंदर नक्काशी है। जो ललाट बिंब पर हाथियों के बीच कमल पर विराजमान है। संभव है मूल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और बाद के काल में इसे भगवान शिव मंदिर में परिवर्तित कर दिया होगा। वहीं चौखट के निचले हिस्से के दोनों ओर मकर वकच्छप वाहिनी गंगा यमुना विराजमान है। चौखट के ऊपरी हिस्से पर वास्तुशिल्प नवग्रह पैनल को दर्शाता है, जहां ग्रहों के देवताओं का अंकन है। इस मंदिर परिसर में कोई जगती अर्थात उठा हुआ मंच नहीं है। मंदिरों का समूह सीधे वेदी बंधन से उठता है। इसके बाहरी हिस्सों पर कलात्मक पुष्प, ज्यामितीय और रैखिक पैटर्न जैसी शैली को देखा जा सकता है। साथ ही बाहरी हिस्से पर पकी हुई ईंटों का पैटर्न, अद्वितीय घुमावदार आकार एक अद्भुत कला को दर्शाता है। इस प्राचीन मंदिर में ईंटों की कला की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अलंकरण शैली है। अलंकरण के दो रूप होते थे। एक तो ईंट जब बनाई गई उसी समय उसमें उत्कीर्णित करके पकाया गया, एक होता है पकाने के बाद उसमें उत्कीर्णित किया गया सहूलियत से, जिससे ईंट ब्रिक टूटे ना। सहायक मंदिरों का निर्माण त्रिरथ के रूप में किया गया है। ऐसा अनुमान है कि ये सहायक मंदिर अन्य देवी देवताओं के लिए बनाए गए होंगे, जो स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है। गर्भगृह में एक सुंदर शिवलिंग स्थापित है, जो बलुई रंग का है। इसकी पश्चिमी दीवार पर एक शिलापट स्थित है, जिस पर ब्रह्मा एवं वीणाधर शिव का शिल्पीकरण बहुत ही सुंदर व प्रभावात्मक ढंग से किया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट दो नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। हालांकि एक मूर्ति क्षतिग्रस्त है, जो कि उसी काल की प्रतीत होती है, और दूसरी बाद की तारीख में स्थापित की गई होगी। मंदिर की बाहरी संरचना को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कमल पुष्प खिल रहा, जो उस काल की वास्तुकला की परिपक्वता व महानता का प्रमाण देता है। यह पुरातन धरोहर स्थानीय लोगों के बीच अटूट विश्वास का प्रतीक है। मैं लगभग 25 साल से इसकी सुरक्षा में लगा हुआ हूँ। जो हमारा ये निबिया खेड़ा का मंदिर है, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है कि इनकी विशेषताएं जो पुराने लोग बचे हैं वही बता पाते हैं, लेकिन जो इनका इतिहास रहा है वो ये कहता है कि ये मंदिर कहीं कहीं रह गए, उन मंदिरों से ये है। मेरे बुजुर्गों ने बताया मंदिर के बारे में, उनसे पूछा तो बोले हमारे पुरखा भी नहीं बता पाए, इतना पुराना मंदिर है। निबिया खेड़ा जैसे ऐतिहासिक मंदिर प्रमाण हैं कि भारत सदियों से वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियों की भूमि रही है, जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग मिसाल पेश की है।